अब खबरें विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तो बनाई है। एनडीए की सहयोगी रही शिवसेना ने सरकार को किसानों के मुद्दों पर घेराया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी सरकार पर हमले किए। बताते चले कि लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सांसद लोक महत्व में मुद्दा उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की है। पीएम मोदी ने कहा कि 2019 का ये आखिरी संसद सत्र है। राज्यसभा का 250वां सत्र है। इस सत्र के दौरान 26 तारीख को हमारा संविधान दिवस है। हमारे संविधान के 70 साल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सरकार पर हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि संविधान देश की एकता, अखंडता और विविधता को समेटे हुए है। इसका हम सभी मुद्दों पर खुलकर के चर्चा चाहते हैं। उत्तम से उत्तम बहस हो यह आवश्यक है। वाद हो, विवाद हो, संवाद हो, हर एक कोई अपनी बुद्धि शक्ति का प्रचुर मात्रा में उपयोग करें और सदन की चर्चा को समृद्ध बनाने में योगदान दें और उससे जो अमृत निकलता है वो देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम आता। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।